गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकंड ईयर में यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी नवोदिनी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ऑफ थ्री डी एलिमेंट्स एंड डीप ब्लू की जो थ्री डी श्रेणी है उसके तत्वों की केमिस्ट्री वो चल रही थी, और उसमें हम पढ़ रहे थे थ्री डी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इससे पीछे क्लास में हमने इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी रिएक्टिविटी है, ये सब हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी, जिसे हिंदी में बोलेंगे उत्प्रेरकीय सक्रियता। हिंदी में इसका नाम रहेगा उत्प्रेरकीय सक्रियता, ठीक है। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उत्प्रेरकीय सक्रियता का मतलब है कि संक्रमण धातुओं के जो संकुल यौगिक हैं या भी खुद संक्रमण धातुओं के जो आयन्स होते हैं या फिर इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कई रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरकीय सक्रियता का मतलब है कि संक्रमण धातुओं के आयन तथा इनके संकुल यौगिक कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब आता है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य क्यों करते हैं। तो इसमें आता है कि संक्रमण धातुओं के आयनों और उनके संकुल यौगिकों में जो संक्रमण धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ में इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों कारणों की वजह से संक्रमण धातुओं के आयन और उनके संकुल यौगिक हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक के दो प्रकार के कार्य होते हैं, या तो उत्प्रेरक क्या करेगा, जिस कंपाउंड्स जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो सबस्ट्रेट होता है क्रिया कारक, उससे या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, या फिर ये क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया कारक को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों कारणों की वजह से संक्रमण धातुओं के आयन और उनके जो संकुल यौगिक हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये रहेगा इसकी उत्प्रेरकीय सक्रियता। किस कारण से करेंगे, तो ये रहेगा कि इन संक्रमण धातुओं के आयनों और इनके संकुल यौगिकों में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन कारणों की वजह से संक्रमण धातुओं के जो आयन्स होते हैं और उनके जो संकुल यौगिक हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है इसके अंदर की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कौन कौन से उत्प्रेरक कार्य करते हैं, तो देखें इसके अंदर। उससे पहले एक बात आती है कि जो उत्प्रेरक होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या फिर जो उत्प्रेरण वाली अभिक्रिया होती है कैटालाइसिस रिएक्शन, यहाँ पे देखें आपकी जो कैटालाइसिस रिएक्शन होती है या उत्प्रेरण वाली क्रिया होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होता है होमोजीनस कैटालाइसिस, और एक होता है इसमें हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। होमोजीनस कैटालाइसिस और सेकंड रहेगा हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। होमोजीनस वाले को हिंदी में बोलेंगे हम समांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है कि वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उत्प्रेरक की सहायता से होती है, उस अभिक्रिया को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण क्रिया बोलेंगे। अब वो दो प्रकार की होती है, जो उत्प्रेरक की सहायता से होती है वो समांगी उत्प्रेरण, और दूसरी हो जाएगी विषमांगी उत्प्रेरण। और संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिक हैं वो समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार की उत्प्रेरण अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकते हैं। अब देखें इसमें कि समांगी उत्प्रेरण है वो क्या होगा और विषमांगी उत्प्रेरण है वो क्या होते हैं, तो देखें इसके अंदर। समांगी उत्प्रेरण में यदि क्रियाकारक रिएक्टेंट और कैटालिस्ट उत्प्रेरक दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होगी, कहने का मतलब है ये गैसीय अवस्था में होगा तो कैटालिस्ट भी क्या हो, गैसीय अवस्था में। तो समांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है।
दोनों गैसीय अवस्था में होंगे, दोनों लिक्विड में, दोनों ही किसमें होंगे, ठोस अवस्था में होती है। और विस्मांगी उत्प्रेरण क्या होता है? विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक, क्रियाकारक और केटालिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग होती है। और उसमें केटालिस्ट जो होते हैं जिसमें संक्रमण धातुओं का आयन या संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिक होते हैं वो मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट में होंगे, और जो क्रियाकारक होता है वो मोस्टली इसमें गैस स्टेट में होता है। ठीक है, तो विस्मांगी उत्प्रेरण में क्या लिखा जाएगा कि विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। तो क्रियाकारक मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जिसकी सतह पे गैसीय क्रियाकारकों द्वारा विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, और संक्रमण धातुओं के जो संकुल यौगिक हैं और संक्रमण धातुओं के जो आयन हैं वो समांगी और विस्मांगी दोनों प्रकार के उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखनी है अपने को, वे रिएक्शन यहाँ पे पढ़नी है जिनमें संक्रमण धातुओं के आयन और उनके संकुल यौगिक हैं वो क्रिया का सॉरी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में, एल्कोहल्स जो होते हैं एल्कोहल्स उनका ऑक्सीडेशन पहले होता है एल्डिहाइड में, और फर्दर इनका ऑक्सीडेशन आगे करवाने पर इनका ऑक्सीडेशन है वो एसिड में हो जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले होगा एल्डिहाइड्स में, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है वाया ऑक्सीडेशन। तो इसमें आता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स, केवल प्राइमरी एल्कोहल्स ही एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन में होंगे ऑक्सीकृत। तो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हों, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन ना हो अपने को, वैसे नॉर्मली क्या होता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड फिर उसका ऑक्सीडेशन हो गया एसिड प्राप्त होता है, अपने को सिर्फ इसमें एल्डिहाइड ही चाहिए, इसका आगे ऑक्सीडेशन हमें नहीं करवाना है। तब जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा वो रहेगा फेंटोन अभिकर्मक, फेरस सल्फेट और H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसे फेंटोन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जिसकी सहायता से प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाता है, और इन एल्डिहाइड्स का आगे एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो अपने को एल्डिहाइड बनाना हो एल्कोहल्स से तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में फेंटोन अभिकर्मक का यूज करते हैं। और फेंटोन अभिकर्मक होता है फेरस सल्फेट और H2SO4 का मिश्रण। अभी जो फेरस सल्फेट है इसमें कौन सी धातु का यौगिक है, ये संक्रमण धातु आयरन का यौगिक है, और आयरन इसमें 3D श्रेणी की एक धातु है। तो ये हो गया एक उत्प्रेरक जो जिसके अंदर 3D श्रेणी की संक्रमण धातु है उसके यौगिक का यूज किया जाता है। फर्स्ट रिएक्शन हो गई है, ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में आएगा आपके कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन CH3CH2, एल्डिहाइड है एसीटाल्डिहाइड, इस
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडेशन O2 के हेल्प से करवा रहे हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से क्या प्राप्त होता है? एसिड प्राप्त होता है। ये हो गया यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में करवाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज एसीटेट का यूज किया जाता है। नाम रखेगा इसका मैग्नीज डाई एसीटेट। दो एसीटेट जुड़े हुए ना, तब इसका नाम हो जाएगा मैग्नीज डाई एसीटेट। तो ये मैग्नीज डाई एसीटेट में जो मैग्नीज है वो मैग्नीज के 3D श्रेणी की संक्रमण धातु है। तो ये संक्रमण धातु का एक यौगिक है जो कि यहाँ उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। एसिटाल्डिहाइड के एसिड में ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज डाई एसिटेट का उपयोग किया जाता है जो कि 3D श्रेणी की संक्रमण धातु मैग्नीज का यौगिक होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में संक्रमण धातु का यौगिक है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद में देखें थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में आएगा इसमें हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस या हेबर विधि। हेबर विधि क्या है? अमोनिया बनाने की जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की विधि है वो क्या कहलाती है? हेबर प्रोसेस कहलाती है। और हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में आयरन और मोलिब्डेनम दोनों का यूज किया जाता है। देखें इसमें N2 प्लस में 3H2 दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी और आयरन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के रूप में यूज में लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें बनेगा 2NH3, ये बनेगा अपना अमोनिया। तो अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में आयरन मोलिब्डेनम मिश्र धातु एक प्रकार से उसका यूज किया जाएगा। इसमें से आयरन कहाँ की रहेगी? 3D श्रेणी की मिश्र धातु, सॉरी 3D श्रेणी की संक्रमण धातु है। मोलिब्डेनम कौन सी में आएगी? ये जो मोलिब्डेनम है वो आएगी 4D श्रेणी में, ठीक है। तो ये पूरा ही संक्रमण धातु होगी। तो संक्रमण धातु है ये आयरन मोलिब्डेनम, उसका उपयोग अमोनिया बनाने की हेबर विधि में किया जाता है, ठीक है। ये रहेगी आपकी थर्ड रिएक्शन जिसमें उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण धातु का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट 4 नंबर पे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी रहेगी इसकी। तो नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें आएगा कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज रहता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस है वो H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। नहीं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस या संपर्क प्रक्रम के द्वारा H2SO4 का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर 3-4 स्टेप होते हैं H2SO4 बनाने की। उस एक स्टेप के अंदर जिसमें SO2 का SO3 में यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज किया जाता है, उस स्टेप में उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो H2SO4 बनाने के सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के संपर्क प्रक्रम में एक स्टेप होता है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए वहां उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का यूज किया जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। और ये जो वेनेडियम है वो 3D श्रेणी की क्या है? संक्रमण धातु है। तो ये V2O5 किसका यौगिक हो गया? वेनेडियम का। तो यहाँ पे इसका उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिखें इसको।
उसके बाद में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ रहा है इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसका एक नाम हो रहा है, उसमें ये बोलते हैं कि एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण में, या फिर इसको ये बोलते हैं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में। देखिए इसमें वनस्पति तेल जो होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, उसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो एक प्रकार से इसको हम एल्किन भी बोल देंगे और इसको हम वनस्पति तेल भी बोल देते हैं, वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए या एल्किन से एल्केन का निर्माण करने के लिए हमें उसका एल्किन का क्या करवाना पड़ता है, हाइड्रोजनीकरण करवाना पड़ता है, और ये हाइड्रोजनीकरण है वो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या फिर प्लेडियम उत्प्रेरक में से भी हो सकते हैं और निकल उत्प्रेरक प्लेटिनम में से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे निकल और प्लेडियम इन धातुओं का जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी की है, डी ब्लॉक की धातुएं हैं। ठीक है, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकल प्लेडियम व प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ये था, ये बन गया यहाँ पे एल्किन, हाइड्रोजनीकरण हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए और इसी को हम बोल देते हैं वनस्पति घी। तो एल्किन से एल्केन का निर्माण भी हाइड्रोजनीकरण से किया जाएगा और इसी रिएक्शन का नाम रहेगा कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए वहां उत्प्रेरक के रूप में निकल धातु का यूज किया जाएगा जो कि एक 3D श्रेणी की धातु है। और ये वाले जो रिएक्शन है वो हेटेरोजेनस कैटालिसिस या विस्मांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है जिसमें निकल धातु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और ये सॉलिड स्टेट में होती है और ये जो एल्किन्स होती है उसको यहाँ पे गैस स्टेट में लिया जाता है। ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन वाला रिएक्शन, उसमें ये एक विस्मांगी उत्प्रेरण का प्रकार है। नेक्स्ट देखें इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या हिंदी में इसका नाम रखेगा बहुलकीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हिंदी में नाम रखेगा इसका बहुलकीकरण अभिक्रिया। तो इसमें आता है कि जो एथीन का बहुलकीकरण होता है, एथीन से जब पॉलीएथीन बनाते हैं तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है मुख्य रूप से जिंगलर नाटा उत्प्रेरक, ये रहेगा आपका एथीन। एथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा, पॉलीथीन। इसके लिए जिस उत्प्रेरक का इस प्रोसेस में एथीन से पॉलीथीन बनाने की जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। और जिंगलर नाटा उत्प्रेरक किससे मिलकर बना होता है, तो जिंगलर नाटा उत्प्रेरक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस में ब्यूटिल एल्यूमिनियम ट्राई एल के लिए या फिर ट्राई ब्यूटिल एल्यूमिनियम का क्या होता है, मिश्रण होता है। इस मिश्रण को हम जिंगलर नाटा उत्प्रेरक बोलते हैं और जिंगलर नाटा उत्प्रेरक है वो एथीन का पॉलीथीन में चेंज या परिवर्तन कर देता है। इसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो टाइटेनियम धातु का एक कंपाउंड है और टाइटेनियम धातु है वो इसमें 3D श्रेणी की एक संक्रमण धातु है, इसलिए इसमें क्या बोला जाएगा कि जिंगलर नाटा उत्प्रेरक है वो एक टाइटेनियम धातु है जो कि संक्रमण धातु उसका यौगिक है और जिसका उपयोग एथीन के बहुलकीकरण में किया जाता है। एक और देखिए इसमें लास्ट रिएक्शन,
लास्ट रिएक्शन में आएगा इसके अंदर। देखिए वाटर गैस एक होती है, वाटर गैस फॉर्मूला रहेगा इसका CO प्लस H2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण वाटर गैस कहलाएगा। इसकी रिएक्शन जब H2 के साथ में करवाई जाए तो क्या बनेगा, CO प्लस H2, ये एक H2 दूसरा ये H2, दो मिलाकर के 2H2 बन गए। अब वाटर गैस तो इतनी है, CO प्लस H2, H2 तो इसके अंदर बाहर से ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं इसका, तो इसमें इससे बनेगा यहाँ पे CH3OH। क्या बनेगा, CH3OH, ये क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। इसमें आता है कि वाटर गैस से वाटर गैस का हाइड्रोजनीकरण करवाने पर या वाटर गैस की अभिक्रिया H2 से करवाने पर मेथेनॉल का निर्माण होता है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कॉपर जिंक व क्रोमियम के ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो इसमें आएगा कि वाटर गैस की अभिक्रिया H2 से करवाने पर मेथेनॉल बनता है, तथा इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कॉपर जिंक व क्रोमियम के ऑक्साइडों का यूज किया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण धातुओं के आयन या संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे थे। उसके बाद में कैटालिटिक एक्टिविटी के बाद में नेक्स्ट रहेगी अपनी प्रॉपर्टीज कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, आयंस और कॉम्प्लेक्स, यानी संक्रमण धातुओं के संकुलों का रंग या संक्रमण धातुओं के आयनों का रंग, किस कारण से ये रंगीन प्रकृति होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।